हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में। सेकंड कब हुई? 31 में, 1931 में। एंड थर्ड कब हुई? 1932 में। इन सब के साथ साथ ही हमने पढ़ा था गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। इसके बाद क्या हुआ था? कम्युनल अवार्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। कम्युनल अवार्ड्स हुए थे 1932 में। और इनके बाद हुआ था एक पूना पैक्ट, या फिर पूना पैक्ट बोलो, या फिर उसको गांधी अंबेडकर पैक्ट भी बोला जाता है। ये कब हुआ था? 1932 में। इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, जो ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा जो ऐसा पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्ट उठाया गया है, डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। इसलिए जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सब के बारे में ना हम पॉलिटी के सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये कुछ ही पार्ट दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड इन 1930 फॉर्म द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, आप सब जानते ही हैं जो ये साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन इंडिया में आया कब था? 1927 में। इसके बारे में हम पहले ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये 1927 में आया था, लेकिन इसने अपनी जब रिपोर्ट है ना, वो कब दी थी? 1930 में। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसी को बेस बनाकर, उस रिपोर्ट को ही बेस बनाकर ये जो 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, ये तैयार किया गया था। इसके बाद आता है द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिसीव्ड द रॉयल एसेंट ऑन अगस्त 4, 1935। 4 अगस्त 1935 को ही जो ये नया गवर्नमेंट एक्ट बना था, इसने रॉयल एसेंट ग्रहण कर लिया। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। ठीक है, द एक्ट कंटिन्यूड एंड एक्सटेंडेड ऑल द एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये जो एक्ट है, ये कंटिन्यू रहा और ये बहुत एक्सटेंड हो गया। जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ इसको ऐड कर दिया गया था। बट इन एडिशन देयर वर सर्टेन न्यू प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस। लेकिन इसमें कुछ कुछ जो नए प्रिंसिपल्स थे ना, उनको भी ऐड किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने किस प्रकार की गवर्नमेंट दी थी हमें। तो किस प्रकार की दी थी? फेडरल टाइप की। आप सब जानते ही हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की है? फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है। तो इन सब के बारे में हम वैसे पॉलिटी के सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर मोटा मोटा एक बार आइडिया हो जाएगा आपको, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। दस द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो इस एक्ट में क्या क्या आया था, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसने क्या किया? प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी ना, उसको इंट्रोड्यूस किया। प्रांतों की स्वायत्तता को इसने इंट्रोड्यूस किया था। मतलब प्रांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे इस टाइम में। अबोलिश डायआर्की इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में से इसने जो डायआर्की थी ना, उसको अबोलिश कर दिया था। आप सब जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है जो ये डायआर्की है प्रोविंसेस में, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919 में। और ये अबोलिश कब किया गया? 1935 में। 1935 में देखो, प्रोविंसेस में से तो इसको अबोलिश कर दिया गया, लेकिन जो सेंटर था ना, सेंटर में डायआर्की को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1935 में। तो ये तीन चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि प्रोविंसेस में से डायआर्की कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब अबोलिश किया गया, या फिर सेंटर में डायआर्की को कब इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से डिटेल में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मेड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल।
इसने क्या किया, जो मिनिस्टर थे ना उनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, किसके प्रति कर दिया, टू द लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन ऑफ द फेडरेशन एट द सेंटर। इसने सारे मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल कर दिया लेजिस्लेटिव और फेडरेशन के लिए। द एक्ट ऑफ 1935 वाज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन। इसने क्या किया, कंडेम कर दिया सारे उन सेक्शंस को, किसके सेक्शंस थे वो, इंडियन पब्लिक ओपिनियन, एंड वाज अनएनिमसली रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। लेकिन जो ये एक्ट आया था ये किसने रिजेक्ट किया, कांग्रेस की जो सरकार थी ना उस टाइम, कांग्रेस उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या कांग्रेस ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपनाया था या उसको रिजेक्ट किया था। तो क्या किया था कांग्रेस ने, रिजेक्ट कर दिया था। द कांग्रेस डिमांडेड इटसेल्फ द कन्वीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जो ये थी कांग्रेस थी, इसने क्यों किया था इसको, क्योंकि वो खुद क्या करना चाह रही थी कि वो खुद डिमांड कर रही थी कि उसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ये क्या करती, ये खुद ही अपनी एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कैसे इलेक्ट होते, इसके जो मेंबर थे, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस ने कैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इसने जो डिमांड करी थी वो किस बेस पे करी थी, कि अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इसको इलेक्ट किया जाएगा। टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करने के लिए, कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया, अपने स्वतंत्र भारत के लिए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। हम जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया है, हम इसको मानते ही नहीं। तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, 1935 के एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जे एल नेहरू रिमार्क्स। तो इसके रिगार्ड में, इस एक्ट के रिगार्ड में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा था, इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। क्या कहा, तो 1935 के जो एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज या स्लेवरी, कि ये जो एक नया चार्टर है बॉन्डेज का या दासता का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, ऑल्दो द कांग्रेस अपोज्ड द एक्ट, येट इट कंटेस्टेड द इलेक्शंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अप्रैल 1, 1937। देखो, एक तरफ तो कांग्रेस ने इसको अपोज किया, अपोज द एक्ट, येट, लेकिन फिर भी इसने क्या किया था, इसने कंटेस्टेड द इलेक्शंस। जब इलेक्शन हुए ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, तो कब हुए थे वो, 1 अप्रैल 1937 को, उसमें इसने भाग लिया था। एंड फॉर्म्ड मिनिस्टर्स, और उसने अपने कुछ मिनिस्टर्स भी बनाए थे, फर्स्ट इन 6 provinces एंड देन इन अनदर 2। पहले तो इसने अपने 6 प्रांतों में अपने मिनिस्टर्स बनाए और बाद में 2 औरों में बनाए। ठीक है, एक तरफ तो देखो उसको अपोज कर रही है और एक तरफ उसमें इलेक्ट भी हो रही है, अपने मिनिस्टर्स भी बना रही है। द मुस्लिम लीग वॉज हाउ एवर नॉट हैप्पी विद द कांग्रेस रूल। इसलिए जो मुस्लिम लीग थी ना वो कांग्रेस से अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी कि भाई जो कांग्रेस ये काम कर रही है ना वो गलत काम कर रही है। इस्पेशली मिस्टर जिन्ना, तो उस टाइम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते थे मिस्टर जिन्ना, मोस्टली वे ही कांग्रेस के अपोज थे। हु डिस्क्राइब्ड इट इन दोज वर्ड्स, तो मिस्टर जिन्ना ने इसको किन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, कांग्रेस वॉज ड्रंक विद पावर एंड वॉज ओप्रेसिव अगेंस्ट मुस्लिम। जो मिस्टर जिन्ना थे ना वो क्या कहते हैं, कांग्रेस वॉज ड्रंक विद पावर, कि कांग्रेस थी जो वो पावर के नशे में थी एंड वॉज ओप्रेसिव अगेंस्ट द मुस्लिम, और वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी। तो देखो, हमने पहले पढ़ा जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या कहा था, इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज या स्लेवरी। और जो मिस्टर जिन्ना है वो कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं, कि कांग्रेस वॉज ड्रंक विद पावर एंड वॉज ओप्रेसिव अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमने एक तो पढ़ा
कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि डायार्की को प्रोविंसेस में से हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया और मिनिस्टर्स बनाए गए कांग्रेस के द्वारा। एक और काम हुआ था, देखिए इसमें एक दो काम और इम्पोर्टेंट हुए थे। जो 1935 का जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, इसमें आरबीआई की स्थापना की गई थी, आरबीआई को इंट्रोड्यूस भी किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 के एक्ट में। और एक ना ये भी इम्पोर्टेंट आता है कि एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। किसकी? फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, किसमें? 1935 के एक्ट में। तो ये आप जरूरी से याद रख लीजिएगा कि 1935 के एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो ये पांच काम हुए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो देखिए इसके बाद आता है कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन। तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, कब? दिसंबर 22, 1939 में। तो देखिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पढ़ा कि कांग्रेस ने अपने पहले तो 6 प्रोविंसेस में और बाद में 2 प्रोविंसेस में अपने मिनिस्टर्स बनाए थे, ठीक है, इस एक्ट के अंडर। लेकिन बाद में इन मिनिस्टर्स ने अपने जो सीट थी उनसे रिजाइन कर दिया था। तो क्यों किया था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप ऑन सेप्टेम्बर 3, 1939। आप सब जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर 1944 तक ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था ना, तो उसका ही मैटर हुआ था जिसकी वजह से इन कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया था, उसके बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो देखिए द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप ऑन सेप्टेम्बर 3, 1939। जो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था यूरोप में, दैट ब्रॉट ब्रिटेन ऑल्सो विद इन इट्स फोल्ड, जिसमें ब्रिटेन भी बीच में आ गया था। विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स द वॉयस रॉय डिक्लेयर्ड इंडिया ऑल्सो अ बेलिग्रेंट कंट्री। तो उस टाइम देखो क्या था, जो आप सब जानते हैं उस टाइम कौन थे जो वॉयस राय थे, उस टाइम वॉयस राय थे लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। तो जो लिनलिथगो थे ना, उन्होंने इंडियन से बिना पूछे ही ये अनाउंस कर दिया गया कि इंडिया भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगी। तो देखिए एक बार हम ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जान लेते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वो किस किस के बीच में हुआ था? 2 पावर्स के बीच में हुआ था, एक्सिस पावर थी और अलाइज पावर थी। एक्सिस पावर में कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली, जापान। और जो अलाइज पावर थी उनमें कौन कौन सी थी? यूएसएसआर थी, ब्रिटेन और कनाडा, फ्रांस और यूएसए, ये सब इसमें अलाइज पावर में थी। तो जो अलाइज पावर में थी ब्रिटेन, उसने क्या किया, हम ब्रिटेन के ही अंडर थे उस टाइम, उसके जो वायस राय थे ना उस टाइम, उसने क्या अनाउंस कर दिया, वायस राय कौन थे? लिनलिथगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी एक बेलिगरेंट कंट्री होगा, कि ये भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगा। दिस इवोक्ड शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडियंस। इससे क्या हुआ, इंडियंस के बीच में ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फैल गया। उन्होंने कहा कि हमने तो इसमें पार्ट लिया ही नहीं। एंड द कांग्रेस टुक द स्टैंड दैट इंडिया कुड नॉट एसोसिएट हरसेल्फ इन अ वार सेड टू बी फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम व्हेन द वेरी फ्रीडम वॉज डिनाइड टू हर। तो कांग्रेस ने ये कह दिया कि ना हम जब तक इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक हमें हमारी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जो द कांग्रेस डिमांडेड दैट इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो कांग्रेस ने ये डिमांड करी थी कि इंडिया को आप इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दीजिए, तो हम आपकी तरफ से इसमें युद्ध में हिस्सा ले लेंगे। द ओनली वुड द कंट्री हेल्प ब्रिटेन इन वार, और तभी हम ब्रिटेन की हेल्प करेंगे। द वॉयस रॉय इन हिज रिप्लाई डेटेड अक्टूबर 17, 1939 रिजेक्टेड द कांग्रेस डिमांड एज इम्प्रैक्टिसिबल एंड टुक द स्टैंड दैट द गवर्नमेंट कुड थिंक ओवर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आफ्टर द वार। तो जो वायस राय थे ना, कौन थे वायस राय? लिदगो। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस की इस डिमांड को कि हमें इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाए, इस डिमांड को जो वॉयस राय थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि आप ना हमारा स्टैंड लो, हम बाद में जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा ना आफ्टर द वार, तब हम इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पर डिस्कशन करेंगे, सोचेंगे उसके बाद, ठीक है।
तो इसके बाद क्या हुआ, द कांग्रेस कंडेम्ड द वायसराय रिप्लाई एंड द कांग्रेस मिनिस्टर्स एवरीवेयर रिजाइंड ऑन December 22, 1939। इसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उसने इसका विरोध किया और सारे कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जिन्ना वाज हैप्पी ओवर दिस, अब जिन्ना खुश हो गए क्योंकि जिन्ना को लगा पहले मुस्लिम्स के मिनिस्टर्स नहीं थे और जो कांग्रेस के थे वो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, इसलिए जिन्ना इस बात से खुश हुए। ओवर दिस एंड ही कॉल्ड अपॉन द इंडियन मुस्लिम्स टू सेलिब्रेट द रिजाइनिंग डे ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स एज द डे ऑफ डिलीवरेंस। तो मिस्टर जिन्ना ने इसको क्या कहा, इस दिन को कांग्रेस ने के मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया तो इस डे को द डे ऑफ डिलीवरेंस कहा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो द डे ऑफ डिलीवरेंस कब कहा, तो कब कहा गया था ये, जब कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया था, ठीक है। और ये किसने कहा था, इंडियन मुस्लिम थे जो मिस्टर जिन्ना, उन्होंने कहा था, ठीक है।